नमस्कार, वेलकम टू चाची की रसोई। और मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ जोधपुर का प्रसिद्ध नरगिसी कोफ्ता। तो आइए शुरू करते हैं नरगिसी कोफ्ता बनाना। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए ये हमने लिए हैं 4 बड़े आलू, इसको उबाल लिया है हमने, और 1 चुकंदर लिया है, उसको भी हमने उबाल लिया है और इसको छील लिया है। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये आलू भी बहुत सॉफ्ट है। अब इस आलू को और चुकंदर को हम घियाकस से अच्छे से कस लेते हैं। ये अच्छे से कस रहे हैं, देखिए ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे हम सारे आलू को कस लेंगे। आलू हमारे घिस चुके हैं, अब हम चुकंदर को भी घिस लेते हैं इसी तरीके से। देखिए ये कस रहा है, अच्छे से कस लेंगे। ये आलू और चुकंदर घिस चुके हैं, अब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हाथ की सहायता से मिक्स करेंगे इनको, दोनों को मिला देते हैं। ये आलू और चुकंदर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। हमने एक पैन गरम कर लिया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, ये हमने लिया है मूंगफली वाला तेल। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, वो हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, अच्छे से इसको भूनेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये कुछ मटर, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये कुछ काजू, वो भी हम रोस्ट कर लेंगे इसी में। अब डाल रहे हैं इसमें किशमिश, अच्छे से इसको थोड़ा सा भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आलू और चुकंदर को मैश किया था, वो अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा और डाल सकते हैं। ये है काली मिर्च, हमने कुटी हुई है, वो भी इसमें डाल देंगे। ये लेंगे 1 चम्मच अमचूर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको कम ही रखना है ताकि मसाला जले नहीं, और धीरे धीरे, क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, धीरे धीरे आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये मसाला मिक्स हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा गीला गीला है और इसका चटपटा बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी नमकीन और ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच करीबन हमने नमकीन डाली है इसमें। अब डाल रहे हैं हम थोड़ा सा अनार, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक हम घोल की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने लिया है मैदा 1 कटोरी, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये लिया है 1/2 कटोरी आरारोट, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करेंगे। अगर आप सारा पानी डाल देंगे एक साथ तो इसमें गांठें पड़ सकती है, लम्स पड़ सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और इस तरह से अब इसको घोटते हुए इसका घोल बना लीजिए, एक पतला घोल का ध्यान रखना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। देखिए इस तरीके का घोल आपका तैयार होना चाहिए। ये घोल तैयार हो चुका है, अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो रहा है तब तक हम
नमकीन पीस लेते हैं। ये हमारे काम आएगी कोफ्ते की कोटिंग के लिए। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं। तो हम इसको पीस लेते हैं। ये नमकीन को हमने पीस लिया है और इस तरीके से ये बारीक चूरा हो गया है। इस तरीके से बारीक करना आपको। ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये पुदीने की पत्तियाँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अनार डालने से, जो हमने अनार डाला था, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि उसमें मिठास होती है। तो आपको चीनी डालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसमें चीनी डलती है, लेकिन हम अनार डाले हैं तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब आप इसमें से छोटी छोटी लोई लीजिए और इस तरह से हाथों को से प्रेस करते हुए इसको छोटा छोटा बॉल बना लीजिए। थोड़े दबाइए ताकि ये मटर वगैरह अलग ना निकले। ये बॉल्स हम इस घोल में डालेंगे और इसको चम्मच की सहायता से कोट करेंगे। इसके बाद आप इसमें डालिए नमकीन में और इसको अच्छे से वापस कवर कीजिए और प्रेस कीजिए हाथों की सहायता से ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और एक बार और डिप कीजिए ताकि अच्छे से लेयर बन जाए। और दोबारा इसमें नमकीन में डालिए। ऐसे ही आपको सारे कोफ्ते तैयार करने हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। नमकीन से आपके बहुत ही अच्छे कुरकुरे बनेंगे। आप ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं इस नमकीन की जगह, या फिर पोहे का बुरादा। इस तरीके से आपको सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब हम इसके लिए, ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको तलेंगे। गैस के फ्लेम को आपको तेज रखना है। अब हम इनको चेक करते हैं। थोड़ा घुमा घुमा कर चारों तरफ से हमें इनको तलना है। और अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे तल जाएंगे। देखिए, एक भी नहीं फूट रहा है। आराम से अगर आप डबल कोटिंग करेंगे तो कोफ्ते फूटेंगे नहीं। इस तरीके से आपके कोफ्ते ब्राउन हो जाएं तो आप इनको बाहर निकाल लीजिए। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आप नाश्ते में बनाकर खिला सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।